बैक फ्रेंड्स, प्रीति की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ काले चने और सूजी से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट अप्पे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने काले चनों को रात भर गर्म ठंडे पानी में भिगो के रखा है और ये हमारे चने अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम इसको मिक्सिंग जार में अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्च डाल ली है फ्रेंड्स। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको पीस लेते हैं मिक्सिंग में। ये चने हमारे पीस के तैयार हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चने पीस के तैयार हो गए हैं, अब हम अपने इन चनों के अंदर ये एक कटोरी हमारी सूजी है, ये सूजी हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी बीटा की लस्सी है तो हम ये थोड़ा सा लस्सी डालेंगे, ज्यादा खट्टा नहीं करना है फ्रेंड्स, और इसको ज्यादा गीला भी नहीं करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी लस्सी डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर आप दही भी डाल सकते हो, लेकिन मैं दही नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें लस्सी ही ऐड करूंगी थोड़ी सी। अब हमने पूरा अपना इसमें लस्सी डाल दिया है, अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट के, अब हमारी सूजी ने रेस्ट कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें अपनी ये प्याज और टमाटर डालेंगे जो हमने बारीक चॉप किए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें कोई सी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं डालती, मैं सिर्फ इसमें प्याज और टमाटर और हरी मिर्च ही बस डालूंगी, बाकी इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। ये हमने हमारा स्वाद के अनुसार नमक, ये हमारा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये हमारी आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये हमारा आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, और ये फ्रेंड्स हमारा 1 चम्मच के आसपास ये चाट मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारा इनो मिलकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। हम इसमें इनो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे ये जो अप्पे हैं काफी स्पंजी बने और फूले फूले से बने। ये हमारा अप्पे पैन गरम हो रहा है, इसको हम ऑयल डाल के ग्रीस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा ग्रीस हो रहा है फ्रेंड्स ताकि हमारे अप्पे इसमें चिपके नहीं, इसलिए ये वाला हमें ग्रीस करना बहुत जरूरी होता है। इसमें हम फ्रेंड्स थोड़ी सी ये राई डालेंगे, राई से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें अपने 1 चम्मच अप्पे ऐड कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा। ये हमने अपने सारे अप्पे इसके अंदर डाल दिए हैं फ्रेंड्स, अब हम इनको थोड़ा सा ढककर पका। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको हम अब पलटते हैं और फिर इसको बार बार ऊपर नीचे करके थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, फिर ये अपने अच्छी तरह से गोल सी शेप में आ जाएंगे। ये हमने फ्रेंड्स इनको पलट लिया है और हल्का हल्का सा ऊपर हम इसमें घी लगाएंगे और इनको करारे करारे सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी अच्छे से गोल गोल सी शेप आ गई है। अब ये हमारे अप्पे बस थोड़ी देर में करारे होने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से करारे करारे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे अप्पे बनके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अब आप बताइए ये कैसे बने हैं, और ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी होते हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो इस तरह से ये अप्पे बनाए हैं, आप कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब हमारे ये अप्पे हमारी प्लेट में बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा अपना ये चाट मसाला ऐड करेंगे।
आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पुदीने की और लहसुन की टमाटर की चटनी बनाई है, ये हमारी मीठी इमली की सॉस है। और अब हमारी प्लेट तैयार है फ्रेंड्स, खाइए और बताइए कि कैसी बनी है मेरी रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।